गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का दावा, बीजेपी में बिखराव दूर करने के लिए अमित शाह को आना पड़ा राजस्थान। नागालैंड में अब तक 13 की मौत, राहुल गांधी ने लिखा भारत सरकार जवाब दे, ओवैसी बोले नॉर्थ ईस्ट में शांति नहीं। देश में नए वेरिएंट के बढ़े मामले, जिसके बाद देश में अब 5 हुए मामले। गोवा की महिलाओं से अरविंद केजरीवाल का वादा, गृह योजना का लाभ बढ़ाकर करेंगे 2,500 रुपए। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस दर्ज, तंजानिया से आया शख्स हुआ संक्रमित, देश में अब तक 5 मामले आए सामने। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आगामी 7 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर प्रस्तावित दौरा होने वाला है, ऐसे में मंडल और जिला प्रशासन उनके आगमन की तैयारियों को देखते हुए जी जान से लगा हुआ है। इस कार्यक्रम में लगभग 4 लाख लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है, इसी को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था, साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था सहित सभी सुविधाओं को लेकर जिला और मंडल प्रशासन लगातार बैठक कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर दौरे पर आए थे और उन्होंने आगामी 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि गोरखपुर खाद कारखाना जल्द ही खाद उत्पादन का काम शुरू कर देगा। वहीं मथुरा में कैबिनेट ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और नगर निगम के महापौर डॉक्टर मुकेश कुमार ने वार्ड नंबर 25 का शिलान्यास किया। इस मौके पर वार्ड नंबर 25 के पार्षद विवाह के लोग वहां पर उपस्थित रहे हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफ से विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी दी गई कि बीते दिनों पेट्रोल टंकी पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था और लालगंज क्षेत्र में स्थित राम अंजोर मिश्र इंटरमीडिएट कॉलेज में शिक्षिका के साथ भी छिनैती की घटना को अंजाम दिया गया था। लोगों का कहना है कि बदमाशों ने इलाके में लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं अब शातिरों को गिरफ्तार करते हुए सीओ लालगंज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। सीओ ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, जल्द ही शातिरों के साथी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी के साथ सीओ ने कहा कि शातिर अपराधियों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार से अभियान जारी रहेगा। हमारे यहाँ एक इंडियन पेट्रोल पंप पे एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के अवैध असले के साथ जाकर के सेल्समैन के साथ लूट किए थे। रानीगंज कैथुला में एक मोबाइल की दुकान पे रंगदारी मांगने के लिए भी लोगों ने कार्रवाई की थी और एक शिक्षिका लालगंज में थी, उसके गले के चैन छीने थे। पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा एक टीम गठित की गई थी। थाना प्रभारी लालगंज के द्वारा अपने कुशल नेतृत्व में स्वयं मौजूद रह करके घटना के में अनावरण किया, तीनों घटनाओं का अनावरण किया है। वही संभल में आतंकवाद से निपटने के लिए प्रस्तावित नवीन पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र की तरफ से दंगा नियंत्रण ड्रिल का रिहर्सल किया गया और सभी थानों को निर्देशित करते हुए बताया गया कि सभी दरोगा और फिर थाना अध्यक्षों को अपने अपने नगर के साथ मुस्तैद रहना पड़ेगा और कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रहे, इसके लिए भी काम एक्टिव तौर पर करना होगा। वहीं दंगा नियंत्रण ड्रिल के रिहर्सल में कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं संभल के आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता समिति का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और शहर के नामचीन लोगों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि हर साल हरद्वारी लाल गौतम की तरफ से इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में जनरल नॉलेज को बढ़ाना है और प्रतियोगिता की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित भी किया जाता है। इस अवसर पर नामचीन हस्तियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।
वहीं जनपद फतेहपुर बॉर्डर सीमा छिवनी नदी पर विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के प्रभारी संजय वर्मा पहुंचे हुए थे। उनके आगमन पर पदाधिकारियों और समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद वो कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्होंने भ्रमण किया। साथ ही जिला सह प्रमुख मन्ने लाल के निवास खागा फतेहपुर भी पहुंचे हुए थे। भ्रमण का हमारा तात्पर्य है केवल विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के हमारे जिला अध्यक्ष श्री विपिन सिंह राजावत ने आज एक कार्यक्रम रखा है कि आपको समस्त कार्यकर्ताओं से रूबरू कराना है और समस्त कार्यकर्ताओं को आगे के लिए हमें प्रेरित करके आगे की गतिविधियों पर, गौरक्षक पर, गौवंश पर, आगे की जितनी भी कार्यक्रम हमारे आयोजित हो गए इनकी रूपरेखा तैयार करनी। वही अगला मामला फतेहपुर के बखेवर चौड़गरा हाईवे का बताया जा रहा है, जहां पर ओवरलोड मोरंग की गाड़ी पलटने से एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा देखकर ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई, जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस भी मौके पर पहुंची और रोड पर लगे जाम को हटवाकर आवागमन चालू करवाया गया। वहीं दूसरी तरफ मृतक युवक के परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं देवरिया के उप कृषि निदेशक को गोदाम में नकली डीएपी खाद बनाने के बारे में जानकारी मिली। सूचना पर उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में उप कृषि निदेशक और थानाध्यक्ष की संयुक्त टीम ने गोदाम में छापेमारी की। गोदाम में छापेमारी करते हुए उन्हें सफलता हाथ लगी। मौके से कुल डीएपी खाद की 647 बोरियां, तौल मशीन, सिलाई मशीन, सिलाई धागा समेत तमाम सामान बरामद किया गया है। इसके साथ ही 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। वहीं फरुखाबाद के मीरापुर थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि चुनाव के समय में भी अपराधियों पर पुलिस लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। दबंगों ने घर में घुसकर पति पत्नी सहित पूरे परिवार पर हमला बोल दिया। दबंगों के हमले में दंपति सहित 6 लोग घायल हो गए। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन पूरे घटना में दबंग अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं बांदा में भी दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें अब पुलिस का भी खौफ नहीं रह गया है। दरअसल शराब पी रहे दबंग युवकों को रोकना डायल 12 के एक सिपाही को बेहद ही महंगा पड़ गया। मामला नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के चौराहे का एक बताया जा रहा है, जहां पर शराब पीने से रोकने पर दबंगों ने डायल 112 के सिपाही की जमकर मारपीट की। ये कल रात्रि करीब 10:30 बजे डायल 112 में तैनात आरक्षी प्रताप सिंह कोतवाली नगर क्षेत्र के पद्माकर चौराहे के पास किसी निजी समारोह में सादे वस्त्रों में गया था, जहां कुछ लड़कों से उनका विवाद हो गया और मारपीट हो गई, जिसमें इसको मामूली चोटें आई हैं। आरक्षी प्रताप का मेडिकल मुआयना करा करके 6-7 लोगों के विरुद्ध थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। तो बांदा में दबंगों के हौसले इस वक्त बुलंद होते दिखाई दे रही हैं, जहां पर एक सिपाही की जमकर मारपीट की गई है। आपको बता दें कि बांदा में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं, जहां पर अब पुलिस का खौफ दबंगों के अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी कड़ी में शराब पी रहे दबंगों ने एक सिपाही के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के महत्वाकांक्षी सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 गरीब बेटियों की शादियां हो रही हैं। इसी कड़ी में बलिया के फेफर्न विधानसभा में भी मंत्री उपेंद्र तिवारी की अगुवाई में 765 बेटियों की शाही अंदाज में शादियां हुई हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आशीर्वाद
उन्होंने दिया है। वहीं गोरखपुर से बीजेपी सांसद और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी सहित कई भोजपुरी कलाकार सांस्कृतिक मंच में मौजूद रहे। शादी समारोह में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। वहीं अगली खबर औरैया से है, जहां सुबह टहलने गए युवक का शव पेड़ पर रस्सी के सहारे लटकता देख लोगों में हड़कंप मच गया। इस घटना की जानकारी अजीतमल कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद से मृतक के परिजनों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। नहीं, क्या घटना हो गई? घटना, मेरा लड़का घूमने आया था सुबह 5:30 बजे की लड़की, उसने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, पता ही नहीं किस कारण कही है। क्या बजे घटना है? लगभग 5:30 बजे। तो फिर जानकारी कैसे हुई आपको? एक लोग ये बाजार वाले निकले, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि लड़का टंगा है, वो मुझे लगाया गया। तो बोलो कि हमने भी नीरज गए वो घूम, अगर लौट के नहीं आओ। काय में लगा ली फांसी? नीम के पेड़ में। थाना अजीतमल के क्षेत्र चौकी अटसू में ग्राम कलरुआ में जो है एक युवक द्वारा जो है आज सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई, जिसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें युवक जो है एक गांव के बाहर एक पेड़ से लटक रहा था, जिसमें परिजनों से बात की गई तो उनको द्वारा बताया गया कि युवक जो है सुबह जो है निकल गया था जल्दी, उसने इस तरह का आत्महत्या किया है जो है। इसमें पुलिस तत्काल पंचायत नामक कार्रवाई करते हुए पीएम के लिए डेड बॉडी भिजवा दी गई है। आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है और मृत्यु का कारण आत्महत्या का कारण की जाँच की जा रही है। वहीं अगली खबर औरैया से है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते गोली मारने का मामला सामने आया है। जहां अजीतमल कोतवाली के पचदेवरा में सरिता अपनी बहन के लड़के के शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई थी, तभी उसके मौसेरे भाई ने उसको सुबह तमंचे से गोली मार दी। उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं घायल सरिता की गंभीर हालत के बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद हालत सीरियस होने के चलते उसे सफाई मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी सौरभ को गिरफ्तार कर लिया है। ग्यारह 2021 को ग्राम लिधौरा थाना छलदा क्षेत्र में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जहीर खान पुत्र नजीर खान अपने घर के सामने बैठे हुए थे, तो वहीं एक व्यक्ति जिसको आज पुलिस ने पकड़ा है, वो अपनी मारुति वैन कार से जा रहा था। तो गाड़ी को निकालने पहले कौन निकाले इस बात को लेकर के तूतू मैमे हुई और इसने तमंचा इसके पास था और उससे इसने फायर कर दिया, जो उस व्यक्ति के पेट में उसके गोली लगी। हम लोगों को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तुरंत उसको उपचार के लिए भेजा गया। वहीं औरैया के अछौलदा थाना क्षेत्र के लिधौरा गांव में 27 नवंबर को घर के बाहर बैठे व्यक्ति को गोली मारने के मामले में फरार चल रहे आरोपी युवक को पुलिस ने घसारा नहर पुल रोड से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पकड़े गए आरोपी प्रेम किशोर का घायल नजीर खान से वाहन खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने रंजिश मानते हुए जहीर खान को गोली मारकर घायल कर दिया। 2021 को ग्राम लिधौरा थाना छलदा क्षेत्र में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जहीर खान पुत्र नजीर खान अपने घर के सामने बैठे हुए थे, तो वहीं एक व्यक्ति जिसको आज पुलिस ने पकड़ा है, वो अपनी मारुति वैन कार से जा रहा था। तो गाड़ी को निकालने पहले कौन निकाले इस बात को लेकर के तूतू मैमे हुई और इसने तमंचा इसके पास था और उससे इसने फायर कर दिया, जो उस व्यक्ति के पेट में उसके गोली लगी। हम लोगों को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तुरंत उसको उपचार के लिए भेजा गया।
और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।